हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडस रेंजर्स ऑनलाइन क्लासेस। आज फिजिक्स में हम लोग री ऑप्टिक्स का सेशन स्टार्ट करेंगे। ऑनलाइन में आप बाकी लेक्चर्स देख रहे हो, मैकेनिक्स के सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ट्वेल्थ का हमने आज यहाँ से स्टार्ट किया है, तो री ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। री ऑप्टिक्स में हमने आप लोगों को स्फेरिकल मिरर हमने प्लेन मिरर पूरा फिनिश कर दिया था ऑफलाइन में। हम री ऑप्टिक्स में स्फेरिकल मिरर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर से हम लोग कंसिडर करते हैं, ध्यान से देखिए। री ऑप्टिक्स में स्टार्टिंग होगा स्फेरिकल मिरर्स। देखिए, स्फेरिकल मिरर्स में सबसे पहले दो सेक्शंस होते हैं। ये पूरा आपका ये स्फीयर होता है, ऐसे समझेंगे हम लोग। ये थोड़ा सर्कल नहीं बन पा रहा है, इसको सर्कुलर बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये पूरा आपका एक स्फीयर होता है, ठीक है। जिस स्फीयर से, अब देखिए, ये जैसे हमने एक स्फीयर बना दिया, ठीक है, और स्फीयर है, और बेटा जी इसको पॉलिश्ड कर देते हैं इनसाइड। ये पॉलिश्ड है तो कुछ चीज़ें यहाँ पे हम लोग क्लियर कर लेंगे, जो कि अपना थ्योरेटिकल सेक्शन है, जो कि टेंथ में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए यार, इस स्फीयर का जो सेंटर होगा ये होगा आपका सी, और ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम काउंट करते हैं रेडियस आर, ठीक है। इस डिस्टेंस को काउंट करते हैं रेडियस, और इसको हम बोल देते रेडियस आर। तो ध्यान से देखिए, अगर आप इसको दो तरीके से काटा जा सकता है। अगर आप इसको कट कर दो इस तरीके से यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से इसे कट कर दो, जो कुछ शेप बनेगा वो इस तरीके से बनेगा आपका। ये पॉलिश्ड पीछे है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो गया, ये आपका हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पीछे पॉलिश सरफेस। तो ध्यान से देखिए, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज्ड है आउटवर्ड, बल्ज्ड यानी उभरा हुआ है आउटवर्ड। तो ऐसे मिरर को हम क्या बोलते हैं, कॉनवेक्स मिरर, ठीक है। अगेन ये जो डिस्टेंस होती है, जैसे कि ये कॉन्वेक्स मिरर हमने इस स्फीयर से काट के निकाला हुआ है, ठीक है, इस स्फीयर से हमने इस कॉन्वेक्स मिरर को काट के निकाला हुआ है, और ये स्फीयर, ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, इस वाले स्फीयर का पार्ट है। तो इस स्फीयर का, ध्यान से सुनिएगा, इस स्फीयर का जो सेंटर होगा, जो ये डिस्टेंस सेंटर होगा, इसे हम लोग बोलेंगे, जैसे मान लेते हैं कि अगर हम देखें तो इस स्फीयर से आर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है जो कि आपका सेंटर सी का काम कर रहा है, तो ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट, जो ये आपका रेडियस है, जो डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इस मिरर के मिड पॉइंट, ठीक है, मिरर का मिड पॉइंट जो होता है उसको कहते हैं पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और मिरर के मिड पॉइंट के डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। सेम, अगर ये मिरर इंटरनली पॉलिश्ड ना होके एक्सटर्नली पॉलिश्ड होगा, यानी कुछ इस तरीके का शेप होता, और बाहर से हम इसे पॉलिश करते, तो अब कट करते तो जो नेक्स्ट फिगर निकलता, नेक्स्ट शेप होता, वो कुछ यूं होता है बेटा जी। देखिए बच्चों, ऐसे यूं शेप होता, और ये जो शेप है इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका क्या है, कर्व्ड इनवर्ड है। देखिए, अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड है इनवर्ड, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड। तो इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर। ये सब तो बेसिक बातें हैं जो आप लोगों ने अपना टेंथ में सीखा था, तो वो थोड़ा सा रिकॉल करना था, यहाँ पे था, ठीक है, अभी हम समझ गए। मिड पॉइंट, देखो मिरर का मिड पॉइंट होता है पोल, ये बात कभी भी आप लोगों को ध्यान देना है। अब इसके बाद हम आगे आते हैं स्फेरिकल मिरर में। हमारा जो आपका नेक्स्ट है, जो मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो है मिरर फार्मूला। तो हम बिना टाइम को वेस्ट किए मिरर फार्मूला पे आएंगे, ठीक है, और बाकी कुछ चीज़ें आप लोग जो टेंथ का जानते हो उसी से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें हैं। तो मिरर फार्मूला पे हम लोग अपना, मिरर फार्मूला के लिए आप लोग बाकी जो डेफिनेशन जानते हो, पोल का, प्रिंसिपल एक्सिस, जो टेंथ में पढ़ो सारी चीज़ें वही यहाँ पे ओबे करेंगी। तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना मिरर फार्मूला। तो देखिए क्या है, सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं एक आपका कॉनकेव मिरर, कुछ इस तरीके से ही हमने कॉनकेव मिरर कंसीडर किया, ठीक है। ये रहा पोल, मिरर का मिड पॉइंट, हमेशा याद रखना मिरर का मिड पॉइंट ये होता है आपका पोल, ठीक है, पोल पी। अब यहाँ से देखा जाए तो
तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से हम दो रेज चलाएंगे। अभी सिर्फ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को माइंड में रखते हुए हम इस चीज़ों को आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो यहाँ से दो रेज चलाते हैं, एक रे हमने स्ट्रेट चलाया, ठीक है, तो एक रे स्ट्रेट चला, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, जहाँ से ध्यान दीजिएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर जहाँ से होता है, तो सेंटर से एक लाइन होती है कर्व्ड सर्फेसिस पे, जिसको कि आप लोग रेडियस बोलते हो, और रेडियस ही बेटा परपेंडिकुलर होता है किसी भी सर्फेस पे, मतलब कि किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, कर्व्ड सरफेस के किसी पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर होता है वो रेडियस होके जाता है। तो हमने इसलिए देखिए सेंटर से ड्रॉ किया, इससे जितना एंगल ये है उतने ही एंगल पे, जितना इंसिडेंस उतना ही एंगल पे क्या होना चाहिए हमारा, रिफ्लेक्टिंग एंगल होना चाहिए, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये रे इधर इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दूसरा रे हम स्ट्रेट चलाएंगे, तो स्ट्रेट चलाएंगे तो ये रे अपने सेम इंसिडेंट पाथ को फॉलो करके यहाँ पे कहीं मिलेगा और यहाँ पे इमेज बनेगा। अब ध्यान से देखिए, हम अगर इसको मान लेते हैं अल्फा, इसे मान लेते हैं थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है, इसे मानते हैं बीटा और इसे मान लेते हैं गामा, ठीक है। अब देखिए अल्फा थीटा बीटा एंड गामा, यहाँ पे नाम दे देते हैं हम एम। अब देखा जाए तो इन ट्राइंगल, ध्यान से देखिए ये प्रूफ आपके बोर्ड्स में भी आ सकता है, ठीक है, इन ट्राइंगल ओ एम सी, देखिए ओ एम सी, ठीक है, ओ एम सी की बात बोले तो इन ट्राइंगल ओ एम सी में देखा जाए तो आपका बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा, क्यों, बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा। ध्यान से देखिए तो ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल एक्सटीरियर एंगल है कौन, बीटा है। अब नेक्स्ट इसके बाद देखा जाए तो इन ट्राइंगल, अगेन इन ट्राइंगल इक्वेशन वन है मेरा, ठीक है, अल्फा प्लस सॉरी थीटा नॉट बीटा, यहाँ पे थीटा कर लीजिएगा। अब हमारा दूसरा एक जो है इन ट्राइंगल ओ एम आई, ये बड़ी वाली ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल, इस वाली ट्राइंगल को अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ओ एम आई में देखिए ये एंगल अल्फा और इस बार थीटा प्लस थीटा यानी टू थीटा बराबर एक्सटीरियर एंगल होगा गामा, यानी कि अल्फा प्लस टू थीटा बराबर एक्सटीरियर एंगल आपका गामा, और ये इक्वेशन नंबर टू, ठीक है, ये हमने बना लिया। अब देखिए इस इक्वेशन में से जो काम की चीज़ें हैं, काम की चीज़ें यानी क्या है कि अल्फा बीटा गामा ही काम की चीज़ें, ये जो थीटा है ना, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका हमें कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि बीटा गामा थीटा जैसा कि आप लोग को हमने बताया था, जो पूरा ऑप्टिक्स अपना है वो पैरेक्सियल रेज के लिए हुआ है। पैरेक्सियल रेज बोला जाए तो ये रेज इंसिडेंस एंगल बहुत ही स्मॉल बनाती है, 1 degree, 2 degree, 3 degree, ठीक है, 1, 2 और 3, इससे ज़्यादा भी हो गया तो पैरेक्सियल नहीं माना जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा ऑप्टिक्स हमें जो पढ़ना है वो स्मॉलर एंगल पर पढ़ना है। तो स्मॉलर एंगल पर हम जानते हैं कि साइन थीटा टेन थीटा बराबर रहेगा, जो एजम्पशंस है मेरे, जिस तरीके से हम इस डेरिवेशन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं एक एक बातें क्लियर करते चल रहे हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, और साइन थीटा टेन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस को लेंगे, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस को लेंगे तो कहीं ना कहीं हमें ये डिस्टेंस मिलता है बच्चों, कहां से, पोल से, और इनके बीच का ही रिलेशन हम लोग का जो होता है वो स्फेरिकल मिरर में हमें निकालना है, ठीक है, मिरर फॉर्मूला जो कि हमारा होगा उसी का डेरिवेशन हम लोग सीख रहे हैं। तो चलिए इसमें से थीटा को इलिमिनेट करना है तो क्या होगा, इसमें भी 2 से इनटू करेंगे, ठीक है, इसमें भी 2 से इनटू करके माइनस कर दिया जाएगा। तो देखा जाए तो 2 बीटा प्लस 2 अल्फा सॉरी इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 2 थीटा, ठीक है, माइनस इसको करना है ना अल्फा, ठीक है, ये देखिए माइनस, यहाँ पे इसे इधर लिखते हैं माइनस गामा इज इक्वल टू माइनस अल्फा माइनस टू थीटा, ये हमने किया। अब टू थीटा से टू थीटा कैंसिल, यहाँ पे टू अल्फा से अल्फा जाएगा तो अल्फा बचेगा, यहाँ पे देखिए टू बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू आपका अल्फा। अब देखो बच्चों इसको हमने इधर की तरफ भेजा तो 2 बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस अल्फा आया। अब देखो ये बीटा गामा और अल्फा है क्या, तो इसके लिए आप लोगों को एक ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जितने भी डेरिवेशंस होंगे वहां पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा ऑप्टिक्स पैरेक्सियल रेज के लिए हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। पैरेक्सियल रेज जो इंसिडेंस एंगल स्मॉल बनाए, तो स्मॉल बनाए तो हम ये बोल सकते हैं फॉर स्मॉलर एंगल, फॉर स्मॉलर एंगल थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू टेन थीटा या फिर साइन थीटा, ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। तो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग ये अल्फा स्मॉलर है,
बीटा स्मॉलर है तो परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, एमपी करेगा। ये जो कर्व दिख रहा है ना ये एकदम छोटा आप कर दीजिए, देखिए स्मॉलर एंगल अगर ये स्मॉल, देखिए अगर एंगल ऐसे आपका स्मॉलर हो जाए, ये बड़ा है तो ठीक है ये आपका कर्व बना रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको स्मॉल करते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, ये परपेंडिकुलर का काम करता है। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग आ रहे हैं, वही हम बताना चाह रहे थे, परपेंडिकुलर हो जाएगा तो हम लोग टू बीटा की जगह पर लिख सकते हैं, टू बीटा यानी एमपी अपॉन सीपी, एमपी अपॉन सीपी। नौ बच्चों गामा को क्या बोल सकते हैं, गामा यहां पे है तो एमपी अपॉन आईपी, एमपी अपॉन आईपी प्लस। अब बेटा यहां पे अल्फा को क्या बोल सकते हैं, अल्फा को देखा जाए तो एमपी अपॉन ओपी, एमपी अपॉन ओपी। अब देखा जाए तो एमपी से एमपी कट गया, हमारे सामने ये आया, तो फिर सीपी है क्या, सीपी पोल से सेंटर का डिस्टेंस है तो क्या सीपी की जगह पे आर लिख सकते हैं, तो यहां पे हमारा जो फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है टू अपॉन आर इज इक्वल टू, यहां पे देखो वन अपॉन आई पी, आई पी क्या है ये इमेज डिस्टेंस है पोल से, इमेज डिस्टेंस को क्या बोलते हैं वन अपॉन वी, प्लस ये क्या है बेटा जी आपका ओपी, ओपी आपका देखिए क्या है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है कहां से पोल से वन अपॉन यू, ये तो फॉर्मूला आपका ये यहां पे आ जाता है। ठीक है ध्यान से देखिए, टू अपॉन आर इज इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू। अब ये इसमें साइन कन्वेंशन की बात होती है, तो साइन कन्वेंशन में बच्चों आप लोग क्या जाना है, वो प्रॉपर साइन कन्वेंशन ये कहता है कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को हम लोग क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं, यानी इंसिडेंट रे यहां से चला है तो पॉजिटिव पोल को ओरिजिन मान लो, ये हो जाएगा आपका ओरिजिन, यानी यहाँ पे जीरो रखोगे और इसके इधर जो भी क्वांटिटीज है सारी पॉजिटिव और इधर वाली सारी नेगेटिव, तो इधर ही की तरफ तुम ध्यान दो तो सीपी भी पड़ रहा है, इधर ही की तरफ आईपी भी पड़ रहा है, इधर ही की तरफ ओपी भी पड़ रहा है, यानी कि ये सब के सब नेगेटिव रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे तो माइनस साइन कट जाएगा और वापस ये आ जाएगा, तो हमने प्रॉपर साइन कन्वेंशन लिया है, इसलिए ये जो आपका इक्वेशन आया है ये हर तरीके के सर्कल मिरर्स पे क्या है, बिल्कुल ही बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, तो अगर ये समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन ये करते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी इन द प्रीवियस डेरिवेशन, देन What will be the distance of the image? What will be the distance of the image from the pole? Pole से तभी image का distance क्या हो जाएगा? ये हमने पूछा कब? अगर आपका object infinity पे आ गया तो देख लेते हैं, मेरे पास formula भी हम कर देते हैं। आप लोगों ने 10th में पढ़ा है, ध्यान से आप इस चीज को देखो बेटा, इसको विजुलाइज कर सकते हो, देखो ऑप्टिक्स जितना ज्यादा विजुलाइज करोगे उतना समझ में आएगा बेटा, इस चीज को अगर हम खींचते हैं पीछे की तरफ इसको इनफाइनाइट में ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये जो आपका इंसिडेंट रे है ये पैरेलल की तरफ जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल पैराक्सियल रेज आ रही है तो ये सब आके कहां मिलेंगी, एक पॉइंट मिलती है जिसको आप क्या कहते हो फोकस, यानी कि अगर हम यहाँ पे इस फॉर्मूले में 2 by r, ठीक है ये तो रहेगा ही, 1 upon v हमें अभी हम लिख रहे हैं, प्लस 1 upon u यानी कि 1 upon infinite, आप भी बोल रहे हो ना कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर इन्फिनिटी हो जाए तो इनफाइनाइट, तो बेटा इनफाइनाइट यानी कि इन्फिनिटी से रे आती है तो इमेज क्या बनता है फोकस, भी आप लोग 10th में पढ़े हो तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 by f, और किसी भी चीज़ को इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे तो वहाँ पे क्या बचता है जीरो, जेड ई आर ओ। अब यहाँ पे क्या बचा, 1 by f इज इक्वल टू 2 by r, यहाँ से देखिए तो r इज इक्वल टू 2f, ये भी बेटा बहुत से न्यूमेरिकल्स में काम देगा, अभी न्यूमेरिकल का अपना वीडियो हम रिलीज करेंगे, आप देखोगे सारे स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल चाहे आप एनसीईआरटी को सॉल्व करो या इधर कोई भी बेसबुक उठा लो वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, फिलहाल ये डेरिवेशन में हमने किया यहाँ पे r इज इक्वल टू 2f, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ये वैल्यू यहाँ पुट करने पे आपका मिरर फॉर्मूला आ जाता है 1 by u प्लस 1 by v इज इक्वल टू 2 by r, r की जब क्या लिख दें 2f, ओके 2 से 2 कट गया, यानी कि 1 upon u प्लस 1 upon v इज इक्वल टू 1 upon f, और ये आपका एक और मिरर फॉर्मूला, यही होता है आपका मिरर फॉर्मूला, ये एक इक्वेशन यहाँ से निकला ये इक्वेशन, तो आप लोग इस वीडियो में सिर्फ अपने डेरिवेशन पर फोकस करेंगे, ठीक है डेरिवेशन को अच्छे समझना है किस तरीके से हमने किया है, जो जो चीज़ हमने बोला है बेटा वो आप अंग्रेजी में लिखोगे अपने कॉपी में, जैसे कॉपी पेन लेके बैठोगे और बिल्कुल ईमानदारी से नोट करोगे तो बिल्कुल आपको ये ऑनलाइन लगभग ऑफलाइन की फीलिंग देगा, सीधी सी बात है ऐसे करना है, कंसिडर करते हैं पैरेलल रेज, तो लेट अस कंसिडर पैरेलल रेज फ्रॉम अ ऑब्जेक्ट ओ इंसिडेंट ऑन एम, ठीक है अनदर सेकेंड पैरेलल रे सेकेंड पैरेक्सियल रे सॉरी लेट अस कंसीडर पैरेक्सियल रेज ओ इंसिडेंट ऑन अ
कर्व मिरर, कॉनकेव मिरर, स्फेरिकल मिरर, कुछ भी लिख सकते हो. एट एम नाउ नेक्स्ट रे ओपी इंसिडेंट फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट विल फॉलो इट्स सेम पाथ ड्यू टू परपेंडिकुलर इंसिडेंस, परपेंडिकुलर इंसिडेंस एट द सरफेस और इंसिडेंस अलोंग द नॉर्मल एट द सरफेस. ये आप लोग लिखोगे, इसके बाद ये डायग्राम ड्रॉ करोगे, पूरे डेरिवेशन को कंटिन्यू करोगे, उसके बाद हमने जो क्वेश्चन बोला उस क्वेश्चन को नोट करके यहाँ तक पहुँचोगे. नेक्स्ट वीडियो में हम रिलीज करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन और करने के टेक्निक्स. ठीक है बच्चों, थैंक यू.